जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट और टाइम के बारे में मालूम करना सीख लिया है, इसी तरह अब हमारा एक ही पैरामीटर बचा है, वो ये है कि अब हमें जो है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, क्योंकि जब भी फुटबॉल को या कोई भी बॉडी को, कोई भी प्लेयर, कोई भी बॉडी जो है वो हिट करती है या किक करती है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करते हुए जमीन पर आकर हिट करता है, तो जमीन से ऊंचाई पर यानी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक डिस्टेंस ट्रेवल होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कह देते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस डिस्टेंस को हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज कह देते हैं, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी हमारी जो वेलोसिटी है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो टाइम हमारा इस्तेमाल होता है उसके प्रोडक्ट की इक्वल होती है। देखा जाए तो जब आपकी बॉडी को आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी दी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ VIX यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्ट करता है, वर्टिकल नहीं, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन जब यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है तो उस दौरान जितना टाइम लगता है अगर मैं उस टाइम को उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज मुझे जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज दे देती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं कि थ्रू आउट द मोशन जो है वो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो VI cos θ के ही इक्वल रहता है, और जो टाइम है, टाइम जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो से मालूम करना सीखा है कि जो टाइम है वो 2VI sin θ/g के इक्वल आ जाता है, यानी कि ये रिलेशनशिप भी हमें पता चल गया और ये रिलेशनशिप भी हमें पता चल गया। तो इन दोनों के रिलेशन को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो यहाँ पर VI cos θ आ जाएगा और टाइम की जगह मेरे पास 2VI sin θ/g आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम लोग अक्सर चीजें ऐसी करते हैं कि वो आसानी पैदा करती हैं हमारे लिए, यानी कि हम लोग जो है वो डिफिकल्टी से बचते हैं और चीजों को आसानी से लिखते हैं, आसान तरीके से, आसान मेथड से लिखते हैं ताकि हमें जल्दी ही आंसर मिल जाए अपनी मालूम करने वाली चीज के बारे में। अगर अब मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि VI यहाँ पर भी है और VI यहाँ पर भी है, तो VI VI से मल्टीप्लाई होकर VI²/g, इस चीज को अगर मैं एक तरफ कर लूं और यहाँ पर 2 sin θ यहाँ पर यानी कि इस तरह से 2 sin θ उसके बाद cos θ लिख लूं तो 2 sin θ cos θ इस तरफ आ जाएगा और VI²/g एक तरफ आ जाएगा, यानी कि ये रिलेशनशिप तो वही रहा लेकिन उसे मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। तो इसे अरेंज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि आप जानते होंगे कि एक फॉर्मूला होता है जिसे आप इस तरह से लिखते हैं कि sin α+β, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो चीज है ये sin α cos β + cos α sin β की रहती है। आप जैसे किसी जानते होंगे कि sin α फिर cos β फिर देन प्लस cos α और sin β, ये वाला रिलेशनशिप आ जाता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो साइन जो है अल्फा की जगह अगर मैं कह दूं कि बीटा जो है वो भी अल्फा हो गया, यानी कि α+α आ जाए मेरे पास, तो उस सिचुएशन में मेरे पास जो एंगल बनता है या उस सिचुएशन में मेरे पास जो कंडीशन आती है, जो इक्वेशन आती है, वो इस तरह से है कि sin α आ जाएगा और फिर यहाँ पर cos α, फिर +cos α और sin α, क्योंकि अब एंगल ही दोनों अल्फा है तो बीटा की जगह भी अल्फा आ जाएगा। अगर आप अल्फा को थीटा लेट कर लें तो sin θ cos θ + cos θ sin θ आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों रिलेशन पे गौर करें तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि sin 2α जो है वो 2 sin α cos α के इक्वल आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा को आप लेट कर लें कि अल्फा जो है वो थीटा के इक्वल है, लेट कर ले,
अगर आपको अल्फा से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, समझना मुश्किल हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप उसे थीटा लिख लीजिए, तो आपके पास जो है वो रिलेशनशिप इस तरह से हो जाएगा कि साइन टू थीटा इक्वल आ जाएगा टू टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा के। तो अब जो हम लोगों ने रिलेशनशिप इस्तेमाल किया है पीछे इस इक्वेशन में, जो कि टू साइन थीटा कोस थीटा है, तो अब इस टू साइन थीटा कोस थीटा की जगह मैं साइन टू थीटा पुट कर सकती हूँ। तो इसी आसानी के लिए हम लोगों ने जो है वो ये चीज डिराइव की कि हमारा जो वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी को हम लोगों ने अलहदा किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने टू साइन थीटा कोस थीटा को अलहदा किया, ताकि इसकी जगह हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है साइन टू थीटा वो लिख सके। साइन टू थीटा लिखने का फायदा हमें ये हो जाता है कि हमारी जो इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड और छोटा सा बन जाता है, और हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है कि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी जाए और आपको कोई ना कोई एंगल भी दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो थीटा है लेट्स सपोज कि आपका 30 डिग्री है, जी की वैल्यू 10 है, तो इस तरह से जो है रेंज आप बता सकते हैं, रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आपकी बॉडी ने डिस्टेंस किया है ट्रेवल, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फासला ट्रेवल हुआ है उसे आप रेंज कहते हैं। वी आई की जगह अगर यहाँ पर 2 लगाऊंगी तो 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, थीटा की जगह अब यहाँ 30 आ जाएगा, और होल इक्वेशन डिवाइडेड होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई 10 जो जी की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 4 और साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 60 हो जाएगा, जो कि 0.866 है डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से मेरे पास जो रेंज है वो तकरीबन जो कि हमारे पास आती है 0.346 मीटर, यानी कि इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है कि हमारी बॉडी ने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान तकरीबन इतना हॉरिजॉन्टल फासला या इतनी हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल की है, इतना हॉरिजॉन्टल फासला हुआ है जिसे हम लोग रेंज कहते हैं। और अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आप मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम रेंज किसी भी बॉडी के लिए, अगर आपको मैक्सिमम रेंज बताना हो ना, तो मैक्सिमम रेंज उस वक्त होता है जब आपका जो एंगल है एंगल 90 हो जाए। एंगल 90 से मुराद है एंगल 90 नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे कहना चाहिए एंगल 45 हो जाए, यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, एंगल जो है आपका 45 हो जाए। 45 इसलिए कि यहाँ पर वी आई स्क्वायर जी ही रहेगा, और साइन 2 इंटू 45 जब होगा तो ये चीज साइन 90 आ जाती है, और साइन 91 होती है, तो हमारी जो मैक्सिमम रेंज आती है मैक्सिमम रेंज वी आई स्क्वायर ओवर 9 है, यानी कि एक बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ हमें इनिशियल वेलोसिटी और जी रिक्वायर्ड हो उसे हम लोग मैक्सिमम रेंज कहते हैं, जब हमारा जो एंगल है वो 45 हो जाए। मीन्स ये कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 45 का एंगल बनाए, तो उस वक्त जो आपकी मैक्सिमम रेंज होगी वो वी आई साइन बाय जी होगी, क्योंकि साइन 2 इंटू यहाँ पर साइन आ जाएगा, और 2 इंटू 45 जो है वो साइन 90 के इक्वल आ जाएगा, और साइन 90 जो है वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम रेंज आप बता सकते हैं अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और जी की वैल्यू मालूम हो जाए। तो इस तरह से आपने अब तक भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया, और हम बता सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए हम लोग मैक्सिमम रेंज बता सकते हैं, हम टाइम बता सकते हैं, हम वेलोसिटी फाइंड आउट करके दे सकते हैं, और हम जो है वो मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं कि किसी बॉडी की कितनी उसने हाइट अटेन की है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये हमारे एंगल पे डिपेंड करती है कि कितने एंगल के साथ हमने अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। किसी बॉडी को अगर हमने 45 के साथ प्रोजेक्ट किया है तो ये उसकी मैक्सिमम रेंज और इस तरह से उसका प्रोजेक्टाइल कर्व बनेगा। किसी को अगर हम 60 के साथ करें तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 60 के साथ, हो सकता है 30 के साथ करें तो इस तरह से, यानी कि एंगल का हमारी रेंज के साथ हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ प्रोजेक्टाइल कर्व के साथ रिलेशन होता है, और एंगल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आया कि किस एंगल के साथ आपने अपनी बॉडी को थ्रो किया है, किस एंगल पे रखकर आप अपनी बॉडी को जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दी है।
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था। होप सो आपको काफी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझ आ चुका है।